तो हेलो बच्चों, कैसा गया आप लोगों का पेपर आज? तो जहां तक मैंने पेपर को एनालाइज करा है कि जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे, जो भी हमने अभी यूट्यूब के लाइव सेशंस में हमने करे थे, इनफैक्ट जो कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, उसमें से भी तीन चार क्वेश्चंस डायरेक्ट उठकर आए हुए हैं। और जो अभी हमने जितने भी चैप्टर्स हमने लाइव सेशन में कवर करे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लाइव सेशन में कवर्ड है। तो ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट था हम लोगों का इन आर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आज अभी देखते हैं कि कौन कौन तुम्हारे क्वेश्चन सही हुए हैं, तो कौन कौन से तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स इन ह्यूमन। चलो, आज पेपर में मजा आ गया, बच्चे लिख रहे हैं तो भाई ठीक है, इसीलिए हमने मेहनत करी थी, इसीलिए हमने लाइव सेशंस करे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, इंटरफेरॉन्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि कौन सिक्रीट करता है, तो वो सिक्रीट करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। कौन सिक्रीट करते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, ये सेट टू है, दिस इज सेट टू। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करते हैं। सिलेक्ट द पैथोजन, मिसमैच कौन सा हो रखा है? तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन करते हैं, एपिडर्मोफाइटॉन। कल ही कराया मैंने आपको कि एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन ये क्या होती है? फंगाई होते हैं जो कि ड्राई स्किन लीजन करते हैं, तो ये भी सही है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई लिम्फेटिक वेसल्स को करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे इसका आंसर आएगा, क्योंकि हिमोफिलस इन्फ्लुएंजे जो है वो निमोनिया करता है, ना कि इंटेस्टिन में इन्फेक्शन। प्रोडक्टिविटी का वो होता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसमें हमेशा मीटर स्क्वायर पर ईयर आएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है यू एक्स वाई, ये भी हमने लाइव सेशंस में अपने डिस्कस करे हुए हैं कि एम्ब्रियो की स्टेजेस बता दूं। तो सबसे पहले एक्स इज माय सस्पेंसर, एक्स क्या है? मेरा सस्पेंसर है। जेड क्या है? मेरा रेडिकल है, जेड इज माय रेडिकल। वाई इज माय कॉटिलेडन एंड यू इज माय प्लूम्यूल, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर आते हैं नेक्स्ट, गिवन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन कॉलम ए, तो एमटीपी, एमटीपी एमनियोसिंथेसिस, सहेली, फैमिली प्लानिंग। देखो मैच द फॉलोइंग में ना, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, एक चीज अगर आती है तो सारा हो जाएगा। अब देखो सहेली, सबको लगभग ही पता होता है कि सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो ये हमारे ए के ऑप्शन में था, दैट इज योर सी का फोर्थ। तो सी का फोर्थ कौन से ऑप्शन में? हमारे पास इस वाले ऑप्शन में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चाहे तुम्हें बाकी याद है कि नहीं है, पर ये अगर तुम्हें याद है तो बाकी हो जाएगा। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस जो होता है वो फीटल सेल्स को हम वो करते हैं एनालाइज। फिर एमटीपी क्या होता है हमारा? एमटीपी हमने कब लीगलाइज करा था? 1971 में करा था, और फैमिली प्लानिंग है 1951 में शुरू हुई थी। एट वॉट, ये भी हमने ऑफलाइन सेशंस में अपने मतलब लाइव सेशंस में हमने कवर करा हुआ है कि कौन सी स्टेज पे अपनी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते थे, हाइड करते थे, तो ये है हमारा नियंडरथेल। नियंडरथेल जो है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, हाइड करते थे। फिर आते गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस एन एम आर एन ए, तो थर्ड कोडॉन की पोजिशन पे बता दो कौन सा अमीनो एसिड होगा, और फिफ्थ पे बता दो। तो थर्ड पे देखो क्या है, वन, ये वन वाला, टू वाला, थ्री वाला, फोर, तो हमारी थर्ड पोजीशन पे है फिनाइल एलानिन, और फिफ्थ पोजीशन पे है एयूजी। एयूजी इज मिथियोनिन, एयूजी इज मिथियोनिन, ट्रिपल यू इज फिनाइल एलानिन। मैंने आपको बोला हुआ था कि आपको ट्रिपल यू याद करना होता है, एयूजी याद करना होता है, तो दिस इज योर ऑप्शन ए, फिनाइल एलानिन और मिथियोनिन। इसका आएगा ऑप्शन ए, फिनाइल एलानिन एंड मिथियोनिन। फिर आता है इंटरेक्शन बिटवीन क्लाउन फिश एंड स्टिंगिंग टेंटिकल, दिस इज कमेंसलिज्म, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लाउन फिश का फायदा होता है और स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो सी एनिमोनस कुछ भी नहीं होता, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू पॉपुलेशन बट नॉट एन इंडिविजुअल आर, तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है, पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। कौन सी चीज पॉपुलेशन में होती है पर इंडिविजुअल में नहीं होती? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फेसेस मैक्सिमम थ्रेट, तो सबसे ज्यादा थ्रेट किसको होता है भाई? एम्फीबियंस को होता है। सबसे ज्यादा थ्रेट किसको होगा? एम्फीबियंस को होता है, एक्सटिंक्शन का। ठीक है, ये भी हमने बायोडाइवर्सिटी में कवर करा हुआ है। फिर ये पूछ रहा है कि हमने PS T1 से काटा हुआ है, हमने यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो क्या बनेगा? देखो जब यहाँ काटा तो ये वाली सीक्वेंस ये अलग हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो 3' में ये वाला ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन डी, इसका आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर आ जाओ यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए, तो स्टेटिन, स्टेटिन जो होते हैं हमारे कौन बनाते हैं?
हाँ तो देखो क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस हमारा आया स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ये आता है हमारे पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। स्टेटिन हमारा बनाता है मोनेस्कस पुटपुरियस, और पेनिसिलिन बनाता है पेनिसिलम नोटेटम। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या आएगा इसका, स्ट्रेप्टोकाइनेस सी का फर्स्ट, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट ए आर पे आ जाओ। तो ये आता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड क्यूटिन। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर लिग्निन में रिच होगा तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो हो जाता है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली इन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है, पर ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ठीक है। फिर आता है डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी इज इलीगल प्रैक्टिस, यस इट इज इलीगल प्रैक्टिस, तो ये ट्रू है। एमनियोसिंथेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों जो है वो स्टेटमेंट सही है, पर एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर आते हैं थैलेसीमिया एंड एबनॉर्मल मायोग्लोबिन, तो यहाँ पे कैच करना था मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन नहीं होता उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन चेंज जो है वो डिफेक्टिव होती है, तो एसर्शन यहाँ पर रॉन्ग है। फिर उसके बाद पूछा जो अल्फा थैलेसीमिया होता है वो HbA1 HbA2 की वजह से, तो हाँ भाई उसी की वजह से होता है, और इसकी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं ये जीन्स, तो ये भी बात हमारी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए फॉल्स आर करेक्ट, ए फॉल्स आर ट्रू। सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स आर यूज्ड टू एनीलिंग इन प्रोपीसिया, तो हाँ भाई ये बात सही है। तो पॉलीमर्स जो इसको बोलते हैं प्राइमर्स, तो प्राइमर्स जो वो एनीलिंग में यूज होते हैं, ये बात सही है। प्राइमर बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, तो प्राइमर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड नहीं करता, वो सिंगल स्ट्रैंडेड पे बाइंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए ट्रू आर फॉल्स। प्रिंसिपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल होता है कि जो हमारा सबसे कम साइज, जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो हमारा टुवर्ड्स द आपको एनोड मिलेगा, और जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो आपको टुवर्ड्स द कैथोड मिलेगा। और डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज, तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड्स द एनोड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो आपको टुवर्ड्स द एनोड मिलेगा, और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट टुवर्ड्स द कैथोड मिलेगा। फिर हाउ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज, तो विजुअलाइज कैसे करोगे इसको, इथीडियम ब्रोमाइड से। इथीडियम ब्रोमाइड आप डालोगे जो कि एक स्टेन है, फिर उसको आप यूवी रेडिएशन से देखोगे जो कि आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन एग्जांपल ऑफ जीनस ऑफ फंगाई, तो कौन सी जीनस होती है, ग्लोमस फंगाई होती है जो कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाती है। हाउ डज प्लांट डिराइव बेनिफिट, अ प्लांट को इस एसोसिएशन से क्या बेनिफिट मिलता है, प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, तो ये फर्टिलाइजर का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मिल जाती है प्लांट को, और फंगाई को रहने की जगह और ग्लूकोज मिल जाता है। तो नेम एनी टू टेक्निक्स यूज्ड टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, राइट अबाउट एनी वन ऑफ देम। तो इंटरनल ऑर्गन का कैंसर पता लगाने, तो आप यहाँ पे MRI कर सकते हो, आप यहाँ पर CT स्कैन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप एक्सरे कर सकते हो, बायोप्सी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर दो मेथड में लिख सकते हो। और किसी के बारे में लिखना है तो आप लिख दो MRI के बारे में कि MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ये मैग्नेटिक रेडिएशन को, मैग्नेटिक रेस को यूज करता है फॉर इमेजिंग दी बॉडी, तो इसीलिए हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एक चीज लिख दो। और ये नॉन आयनाइजिंग होता है इसीलिए ये हार्मफुल भी नहीं होता, तो ये तीन चार बातें आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि ये ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं पर ओवरी में, और यहाँ पर एज है, तो देखो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वुमेन एट द ऑनसेट ऑफ मीनोपॉज, तो मीनोपॉज में एवरेज एज क्या होगी भाई, 50 ईयर्स होती है मीनोपॉज में, एनसीईआरटी लिखते कि भाई 50 ईयर्स होती है, तो आपको भी यहाँ पे 50 ईयर्स ही लिखकर आना था। देखो आप देख सकते हो कि 50 के आसपास ही सारी वुमेन जो है वो मीनोपॉज अटेन कर रही है, लगभग लगभग इसी रेंज में आ रही है, यहाँ पे भी शुरू हो रहा है किसी किसी का, पर बहुत कम वुमेन है यहाँ पे, लगभग वुमेन कहाँ आ रही है, 50 इयर्स में आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद एट व्हाट एज मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कब मिल रहा है आपको, देखो ग्राफ के हिसाब से, तो ग्राफ के हिसाब से मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मुझे मिल रहा है इस वाली एज पे, दैट इज योर 10 इयर्स, तो 10 इयर्स के आसपास हमें मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मिलते हैं। एबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ गोट इन द आइलैंड, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा बताओ भाई, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिशन, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिशन का, क्योंकि गोट्स की ग्रेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर
टू टॉर्टोइज, इसीलिए वहां पे कॉम्पिटिशन था दोनों के बीच में, और क्योंकि टॉर्टोइज ने उसको ओवरकम नहीं कर पाए तो टॉर्टोइज वहां पे एक्सटिंक्ट हो गए. तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन है इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया यहाँ पर. फिर पुनेट स्क्वायर लिखना है. By using Punnett square, depict the genotype and phenotype of the test cross where green pod color is dominant over yellow pod color in the garden with unknown genotype. तो मैंने आपको test cross अभी online sessions में भी कराया था. test cross के इतने सारे question कराए थे तो एक question यहाँ पे उठ के आ गया. तो फिर आपको वो test cross बनाना था यहाँ पे. तो capital G small g into small g करके बना के आना था. in a garden pea with unknown phenotype. फिर आज हाउ डिड द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एसएल मिलर सब्सटेंशिएट दैट लाइफ इवॉल्व. तो कल ही मैंने लाइव सेशन में जाके एसएल मिलर हाइपोथेसिस आपको कराई है, और आज देखो पेपर में उठ के आ गई. वो भी तीन नंबर की है आपके पेपर में उठ के आई है. कल ही हमने लाइव सेशन में एसएल मिलर पढ़ा हुआ है, ठीक है. प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नीड्स बोथ द मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट फॉर इट्स कॉन्टिन्यूटी. तो क्यों? क्योंकि देखो प्लाज्मोडियम जो होता है एक पैरासाइट होता है, और मॉस्किटो जो है ना उसका डेफिनेटिव होस्ट होता है, ह्यूमन जो उसका है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है. मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बनाई हुई है इसकी. लाइव सेशन मैंने इसीलिए इसे कवर नहीं करा था क्योंकि मैंने इसकी वीडियोज बनाई हुई थी. तो आप अगर उसको देखते तो मैंने वहां पे अलग से प्लाज्मोडियम की वीडियो बनाई हुई है. तो उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो हमारा कैसा होस्ट है. यहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट है क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, और ह्यूमन होस्ट जो है वो हमारा इंटरमीडिएट होस्ट होता है क्योंकि वहां पर उसकी एसेक्सुअल साइकिल होती है, ठीक है. और बाकी आप यहाँ पे उसकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बनाकर आने वाले हो. फिर वी ऑल मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग द गुड हेल्थ. दिस इज अ जनरल क्वेश्चन कि आपको छह तरीके बता दो जिससे कि आप अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो. तो छह तरीके क्या होंगे भाई? अपनी सैनिटेशन मेंटेन करके, क्लेनलीनेस मेंटेन करके, हाइजीन मेंटेन कर, लाइफ स्टाइल अच्छा कर, ठीक है, एक्सरसाइज कर, अच्छी गुड डाइट लेकर, ठीक है. तो ये सारी आप 6-7 तरीके जो जनरल होते हैं वो कर सकते हो. मॉस्किटो है तो मॉस्किटो को कंट्रोल कर, ठीक है, गंदा खाना ना खाकर, हैंड वॉश करना, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पर. नेम एंड एक्सप्लेन सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा कौन सा होता है? अभी हमने लाइव सेशन में डिस्कस करा था. सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारा होता है योर वेसेक्टमी. मेल का सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वेसेक्टमी. टर्मिनल मेथड होता है वेसेक्टमी, जिसमें मेल्स की वास डिफरेंस को काट देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म जो है वो सीमेन के अंदर नहीं आ पाएगा. तो ये मेल पार्टनर के लिए नेम क्या करोगे? वेसेक्टमी. इसे एक्सप्लेन कर दो कि सर्जिकल कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर हम वास डिफरेंस को कट कर देते हैं और लाइगेट कर देते हैं. तो दिस इज योर वेसेक्टमी, और ये परमानेंट मेथड होता है, इसे रिवर्स करा नहीं जा सकता, और इसकी वजह से सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर स्पर्म नहीं आते. फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड. तो टू ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स बता दो कि स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई कर सके. तो टू ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे यहाँ पर बताओ? सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन फिक्स करता है. तो ऑक्सीजन फिक्सेशन का काम करता है. 20% ऑक्सीजन अमेजोन रेन फॉरेस्ट फिक्स करता है. दूसरे आप लिख सकते हो पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो है वो आपको पता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन कराते हैं, और अगर हम पॉलिनेशन खुद करवाने जाए तो भाई कितना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा. और ऐसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आपने अभी कोविड में देखे थे कितने महंगे आ रहे थे. तो अगर हम ऑक्सीजन खुद बनाने जाए तो इतनी महंगी होगी, और हमारा जो नेचर है वो फ्री में हमें करके दे रहा है. तो ये दो आप लिख के आ सकते थे. बाकी आपको पता है कि आप जाते हो ये अलग अलग दार्जिलिंग वगैरह घूमने, अपने माउंटेन्स में घूमने, जहां पे भी आप जाते हो, तो वो सब क्या है? नेचर तुम्हें एक एस्थेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कि तुम्हें प्लेजर दे रहा है. वन एथिकल रीजन बता दो कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए. क्योंकि भाई हर किसी का जीने का हक है जो हमें छीनना नहीं चाहिए. तो हमारी मॉरल ड्यूटी है ये टू प्रिजर्व द राइट ऑफ एवरी लिविंग बींग टू लिव. फिर आज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. अभी हमने लाइव सेशन में ये कवर करा था. बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वी हैव कवर्ड इन आवर लाइव सेशंस. एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व मेकिंग श्योर दैट ओनली डिजायर्ड पॉलिनेट द स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर बाय अ प्लांट ब्रीडर. तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? सबसे पहले आप ईमैस्कुलेशन करोगे, फिर बैगिंग करोगे, बैगिंग के बाद आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करोगे, फिर उसके बाद आप रीबैगिंग कर दोगे. ये होता है आपके पूरे स्टेप्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर.
एक्सप्लेन करना था, ये हमने क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने अब अपने लाइव सेशन में कवर करा हुआ है. एली लिली कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी हमने अपने लाइव सेशन में कवर करा है बायोटेक्नोलॉजी के, कि यहाँ पे हमने क्या करा था, एक्सप्लेन हाउ कैसे बनाया. तो इन्होंने क्या करा, एक ए पेप्टाइड की जीन ली, बी पेप्टाइड की जीन ली, उसको हमने सिंथेसाइज कराया, उससे प्रोटीन सिंथेसाइज कराया, और फिर उस प्रोटीन को, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड वाले प्रोटीन को हमने इट इन वीवो ही, इन विट्रो हमने उसके अंदर सल्फाइड बॉन्ड बनवा दिया और एक ह्यूमुलिन हमारा बन गया. तो एक्सप्लेन हाउ, तो ये हम एक्सप्लेन कर देंगे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अभी हमने लाइव सेशन में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स करे थे, तो चार गोल्स बता दो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के. तो चार गोल्स क्या थे, कि हमें जितनी भी हमारी जीन्स है उन्हें सीक्वेंस करना है, ठीक है, हमें उन सभी जीन्स को सीक्वेंस करना है, हमें जो भी एथिकल और लीगल इश्यूज आएंगे उन्हें हमें वो करना है, और जो हमें डाटा जो हमारा एनालाइज करने वाला सिस्टम है उसे भी स्ट्रेंथन करना है, और हमको जो हमारी टेक्नोलॉजीज है उसे शेयर करना है अलग अलग सेक्टर्स में. ये हमारे चार पांच एक गोल्स थे. तो सेम क्वेश्चन हमने अपने लाइव सेशंस में कवर करा हुआ है. तो नेम एनी वन नॉन ह्यूमन मॉडल, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई, ठीक है. नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल बताना है यहाँ पे, एनिमल बताना है, ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ती, आगे चलते हैं इसको. तो हाँ, तो स्टेट व्हाट इज एन्यूप्लॉयडी, तो एन्यूप्लॉयडी क्या होती है, कल ही हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा बेटा, कल ही हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा है और आज पेपर में आ गया. कल ही हमने एन्यूप्लॉयडी कल के लाइव सेशन में कवर करी थी, देखो आज बेटा पेपर में आया हुआ है. स्टेट व्हाट इज एन्यूप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी क्या होती है, कि व्हेन देयर इज अ नॉन डिसजंक्शन ऑफ योर क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दिस विल लीड टू गेन और लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉयडी. इफ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्रोमेटिड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट मियोसिस राइट एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स व्हिच ऑल्टर क्रोमोसोम पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट बता दो, अगर हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हुआ तो एक के पास हमारा एक भी वो नहीं जाएगा, एक स्पर्म के पास एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा और एक स्पर्म के पास दो दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे. तो ये आप यहाँ पे लिख के आ सकते थे. फिर पूछ रहा है एक नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म है जिसमें 22+Y है और कैरियोटाइप ओवम जो है उसका कैरियोटाइप है 22+XX, ठीक है. तो फीमेल के पास क्या 22+XX है, तो यहाँ पे जो बच्चा होगा उसको क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा उसको 47 और XXY. तो 47XXY क्या होता है बेटा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है. नेम द बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉयड ऑफ एबनॉर्मैलिटी इन राइट एनी टू सिम्टम्स. तो बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉयडी क्या होती है, ऑटोसोमल बतानी थी तो कल ही हमने पढ़ा बेटा डाउन सिंड्रोम, एक बच्चे की फोटो मैंने आपको दिखाई थी. तो यहाँ पे ऑटोसोमल पूछा हुआ है, तो ऑटोसोमल में डाउन सिंड्रोम आएगा. इसके दो सिम्टम भी बताए थे कि ब्रॉड फेस, राउंड फेस, फरो टंग, ठीक है, ओपन माउथ, ये आप लिख कर आ सकते थे यहाँ पर, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड होस्ट डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यूजुअली अकर लीडिंग टू इन्फेक्शन एंड डिजीज कॉजिंग सफरिंग टू द होस्ट, दिस इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफेंस ग्राफ को स्टडी करो सीधा, देखो क्या है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर और ये टाइम है, ठीक है. तो नो साइंस और सिम्टम्स, माइल्ड साइंस और सिम्टम्स, और जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे जैसे जैसे हमारे साइंस और सिम्टम्स जो है बढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो पूछ रहे हैं, हेलो 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 ऑल ऑफ यू, ठीक है कुलविंदर, हेलो. इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ डिजीज इन्फेक्शन एंड वाई, सबसे ज्यादा ट्रांसमिटिंग, अब जो बंदा है ये कब ज्यादा डिजीज को ट्रांसमिट करेगा, जब देखो अब यहाँ पे इसको कोई साइंस और सिम्टम नहीं है, माइल्ड साइंस और सिम्टम्स है और यहाँ पे पीरियड ऑफ इलनेस है, सबसे ज्यादा वो कब करेगा जब उसको पीरियड ऑफ इलनेस है. तो पीरियड ऑफ इलनेस में सबसे ज्यादा वो अपना ट्रांसफर करेगा क्योंकि उस समय जो है सबसे ज्यादा उसके अंदर माइक्रोब्स होंगे, ठीक है. फिर क्वेश्चन पूछे, स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड, नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन इजीली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब हमारे अंदर इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और कब हमारे अंदर डिजीज आया, दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है. नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो इजिली ट्रांसमिट हो जाए, तो दैट इज योर एड्स आप लिख कर आओगे, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स दैट आर अटैक्ड बाय द पैथोजन, तो हमें पता है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स होते हैं. फिर मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कल भी मैंने आपको लाइव सेशन में बताया कि आप एंटीबॉडी का डायग्राम करके जाना, देखो बेटा आ गया ना एंटीबॉडी का डायग्राम, दो नंबर का एंटीबॉडी का डायग्राम आया हुआ है. इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज विल बी हाईएस्ट इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, ठीक है. कौन से जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे,
विल बी द हाईएस्ट इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया. कौन से इम्यून सेल सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे बताओ, जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं. भाई बी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा होंगे. ठीक है, नेम द इम्यून सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी. बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, मेंटेन करनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम मेंटेन करना चाहिए. यही चीजें यहाँ पे हमें लिखनी थी. कोई भी चार चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है. मेंटेन द फेज ऑफ ग्रोथ, वी रेफर टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. तो कौन सी फेज ऑफ ग्रोथ है हमारी, तो लॉग फेज. लॉग फेज होना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम इन बायोरिएक्टर सुटेबल फॉर इंटेंडेड यूज इमीडिएट. तो क्या मैं बायोरिएक्टर वाले प्रोडक्ट को इमीडिएटली यूज कर सकती हूँ? ना भाई, ना इमीडिएटली आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत सारे कंटेमिनेंट्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करना पड़ेगा. तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं और फिर उसको पैक कर देते हैं और मार्केट में डाल देते हैं. तो उसकी हमें डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी. इमीडिएटली हम बायोरिएक्टर के प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते. फिर आते हैं यहाँ पे ई कोर वन का रोल बता दो. तो ये मैंने अभी आपको बायोटेक में कराया भी था. और कन्वेंशन देखो, कन्वेंशन ऑफ नेमिंग ई कोर वन अभी अभी जस्ट आपको अभी लाइव सेशंस में हमने डिस्कस करा था. ई कोर वन का कन्वेंशन बता दो. राइट द रिकॉग्निशन साइट एंड क्लीविंग साइट ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस. तो रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, योर GAA CT. ठीक है, तो ये इसकी सीक्वेंस हो जाएगी. और इसकी साइट ये हो गया रिकॉग्निशन क्लीवेज साइट. तो क्लीवेज साइट अब कहाँ पे काटेगा, ये जी और ए के बीच में काटेगा. जी और ए के बीच में काटेगा. मैम प्लीज टेल क्वेश्चन नंबर 23 अगेन. 23 क्वेश्चन कौन सा है भाई, 23 क्वेश्चन कौन सा है, तो नंबर ही छुपे हुए हैं. लेट मी सी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है प्लाज्मोडियम वाला. प्लाज्मोडियम वाला 23 है क्वेश्चन नंबर. चलो देख लेते 23 क्वेश्चन अगेन. हाँ, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारा, उसको मॉस्किटो भी चाहिए होता है, ह्यूमन होस्ट भी चाहिए होता है. क्योंकि मॉस्किटो के अंदर उसकी, मॉस्किटो के अंदर उसकी सेक्सुअल साइकिल होती है और ह्यूमन होस्ट में उसकी एसेक्सुअल साइकिल होती है. बेसिकली इसके अंदर आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल लिख कर आनी थी. फिर ये पूछ रहा है कि गुड हेल्थ अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए. तो गुड हेल्थ के लिए आप, ये तो जनरल क्वेश्चन, आप कुछ भी लिख के आ सकते हो कि भाई मुझे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, सैनिटेशन इंप्रूव करना चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए. ठीक है, फूड को कवर करके रखना चाहिए. ठीक है, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, गुड डाइट लेनी चाहिए. तो ये सारी चीजें, रेगुलर चेकअप वगैरह कराना चाहिए, मॉस्किटो कंट्रोल करना चाहिए. तो ये सारी चीजें जनरल चीजें थी इसमें. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ, तो व्हाट आर प्रोट्रूडिंग और हैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉल्ड. तो क्या बोलते हैं उनको, स्टिकी एंड्स. क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स. ठीक है, डिस्क्राइब देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या रोल होता है. तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसे एक्सप्लेन करके नहीं आ सकते तो आप यहाँ पर डायग्राम बना के आ जाना, जो एनसीईआरटी ने बताया था. मैंने लाइव सेशन में इन्हें कवर भी करा था इस डायग्राम को, और कहा था कि अगर नहीं लिख के आ सकते तो डायग्राम जरूर बना के आ जाना. तो डिस्क्राइब देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे, दे विल बाइंड टू ईच अदर, और हमारा वेक्टर और फॉरेन डीएनए जो है वो मिल जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन जाएगा. जो जो इस लाइव सेशन में है, काइंडली लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नीट के लिए भी लाइव जाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला इन द लाइव सेशंस. और जो हम लोग लाइव सेशंस में कवर करते हैं वो चीजें आपके पेपर में आ भी रही है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो लाइव सेशन में कवर कर रहे हैं वो नहीं आ रहा. इनफैक्ट वैसे वैसे क्वेश्चन सेम उठ के आ रहे हैं. इवन अगर आप लाइव सेशन जितने थे वो भी कर लेते तो 50-60% तो पेपर वहीं से ही था हमारा. ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग नीट के लिए भी लाइव जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. तो इस मंथ के एंड पे या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में वी विल ट्राई टू गो लाइव फॉर नीट प्रिपरेशन बायोलॉजी 2023. नीट 2023 जो कि आपका 7 मई को है, उसके लिए हम लोग लाइव जाएंगे और आपकी तैयारी कराएंगे. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. आगे बढ़ते हैं. चलो,
इट इज समटाइम ऑब्जर्व दैट एवन प्रोजेनी के अंदर बोथ पेरेंट्स के वो आ जाते हैं. तो मैंने आपको बताया था को डोमिनेंस, और को डोमिनेंस क्या होता है, जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स है वो मिलता है. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस. और ए बी ओ ब्लड ग्रुप में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, ए बी ब्लड ग्रुप. यहाँ पे कौन सा उसको एक्सप्लेन करोगे, ए बी ब्लड ग्रुप. ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए वाला पेरेंट का और बी वाला दूसरे पेरेंट का, दोनों पेरेंट के यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आते हैं. तो ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख कर आओगे. अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन ए हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी रिक्वायर्ड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस वो हमें अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन ए करने से मिलती है. और दूसरा, ये टी आर एन ए क्या करते हैं, हमारा अमाइनो एसिड उठा के लेकर आते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी है. दिस इज सेट टू. How does initiation of translation occur in the prokaryotes? Explain. Initiation कैसे होता है, तो initiation हमारा कैसे होगा कि जब हमारा जो RNA है वो हमारी smaller sub unit of ribosome से bind करेगी, this will lead to initiation of your translation. Translation हमारी तब शुरू हो जाती है. और इसके अंदर आप ये लिख कर आ सकते हो कि हमारे ribosome के अंदर दो sub unit होते हैं, 50 जो हमारे prokaryotes होते हैं उसके अंदर 50S, 30S, 30S से जब bind करेगा तो 50S वाला bind कर जाएगा. And फिर आप यहाँ पे इनिशिएटर टी आर एन ए के बारे में भी लिख के आओगे कि ए यू जी इज माई स्टार्ट कोडॉन. ए यू जी वाला स्टार्ट कोडॉन जो है वहां पर लिख के आओगे कि ए यू जी वाला टी आर एन ए आएगा जो कि हमारे मिथियोनिन को लेकर आएगा और स्टार्ट भी करेगा और इनिशिएट भी करेगा. तो ये आप यहाँ पे लिख के आओगे. वॉट आर अनट्रांसलेटेड रीजन, ये भी हमने अभी लाइव सेशन में ट्रांसलेशन वाला टॉपिक कवर करा था और यू टी आर के बारे में हमने बात करी थी. तो यू टी आर क्या होता है, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पे जो हमारे अनट्रांसलेटेड स्ट्रेचेस होते हैं आरएनए के, उसे बोलते हैं यूटीआर. और ये क्यों होते हैं, ताकि हमारी ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाए. तो ये हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन करा था, देखो उठ के आया हुआ है. फिर आ जाओ यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये भी हमने लाइव सेशंस में कवर करा हुआ है. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब कि आपको यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस लिख कर आनी थी, जो कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल होता है. मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 हमारे डिजेनरेट होते हैं, 1 हमारा डेवलप होता है. क्योंकि एक डेवलप होता है इसीलिए हमने इसको बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. और एक मेगास्पोर होगा वो उसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होगी, 8 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर हमारे पास 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स और एक एग, एक हमारा फीमेल ओवा आ जाएगा और 2 पोलर न्यूक्लियाई आ जाएंगे. तो ये हमें उसके अंदर लिखना था कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था. ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक. ये डायग्राम बेटा मैंने अपने हाथों से अपने लाइव सेशन में आपके लिए बनाया था, कहा था ये डायग्राम जरूर करके आना और इसके 4 पार्ट आपको लेबल करने थे. तो आपको यही बना के आना था कि एक ओवा बना के आओगे, 3 अपने सिनर्जिड्स बनाकर आओगे, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल्स, 1 एम्ब्रियो सैक, 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई और 1 हमारे पास फीमेल ओवा. जो भी बच्चे भी लाइव सेशन में है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो स्टे ट्यून. आई विल ब्रिंग द नीट रिविजन स्ट्रैटेजी, नीट वन शॉट फॉर यू, नीट वन शॉट फॉर यू इन ऑन माई चैनल वेरी सून. जस्ट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 1 वीक और सो एंड देन वी विल स्टार्ट विद आर नीट प्रिपरेशन. वन शॉट हम लोग करेंगे इस चैनल पे, MCQ सॉल्व करेंगे. बेटा मेरे पास यही सेट है, यही सेट मेरे पास है. तो बाकी फर्स्ट सेट वाला मेरे पास नहीं है, मेरे पास सेट 2 है. क्वेश्चन तो लगभग सेम ही होंगे, एक आधा क्वेश्चन डिफरेंट होगा. अगर एक आधा क्वेश्चन डिफरेंट है वो आप मेरे को चैट सेक्शन में भेज दो, मैं डिस्कस कर लूंगी. ठीक है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. ये भी प्लासेंटा भी हमने अपने लाइव सेशन में बेटा डिस्कस करा हुआ है. प्लासेंटा के हमने कहा है कि हमारे पास कोरियोनिक विलाई होती है जो कि फीमेल के साथ इंटर डिजिटेट करती है. और ये क्या करते हैं प्लासेंटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर, रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटा और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस. और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है बाय सिंथेसिस ऑफ और हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीटस, ये भी मैंने आपको कराया हुआ डायग्राम एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स ऑफ इट. तो यूट्रस का डायग्राम बना के आओ और उसके अंदर 4 पार्ट लेबल कर दो, बना के आ सकते हो. ठीक है. तो क्या क्या करके आओगे, देखो आप ब्लास्टोसिस्ट बना के आ सकते हो, आप मॉर्यूला बनाकर आ सकते हो. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बनाकर आ सकते हो. फेलोपियन ट्यूब्स बता दो, एम्प्यूला बता दो.
तो दैट्स ऑल फॉर दी दिस सेट. ये सेट हमारा पूरा हो चुका है. तो ऑलमोस्ट पेपर जो था बेटा कराया हुआ आया था. अगर आपने मेरे लाइव सेशंस भी अटेंड कर लिए होते ना, तो ये पेपर में आप कम से कम 70% नंबर तो लेके आ सकते थे. बाकी अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पढ़ते हो और तो कम से कम 80 to 90% यू कैन इजिली स्कोर. अब स्टे ट्यून टू माई चैनल. जो भी बच्चे भी लाइव सेशन में है, बच्चों डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई विल गो लाइव फॉर योर नीट प्रिपरेशन एज वेल, क्योंकि जो जो बच्चे अपने नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई विल शॉर्टली कम बैक फॉर योर नीट एग्जाम. वन शॉट रिविजन और एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाइव सेशंस के अंदर. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड ऑल्सो गुड बाय. ठीक है, चलो कैसा रहा वैसे सबका एग्जाम? ठीक है, एमसीक्यू करवा दो मैम. एमसीक्यू तो करवा दिए इस पेपर के. कौन से एमसीक्यू की बात कर रहे हो भाई तुम? कौन से एमसीक्यू की बात कर रहे हो, इस पेपर के एमसीक्यू की नीट के एमसीक्यू? नीट के लिए एमसीक्यू की इस पेपर के एमसीक्यू? प्रिया शर्मा, विच एमसीक्यू यू आर टॉकिंग अबाउट? नीट एमसीक्यू और योर दिस सीबीएसई बोर्ड एमसीक्यू? हम नीट के लिए एक एक चीज करेंगे, एमसीक्यू भी कवर करेंगे, वन शॉट भी करेंगे. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आई विल डेफिनेटली कवर इट अप. जैसे आपने देखा कि बोर्ड में जो कराया हुआ था बेटा, वो सारी की सारी चीजें आपके पास आई हैं. तो इवन नीट में भी आई कैन बेट यू कि जो मैं कराऊंगी उसमें से आपके लगभग लगभग जो है 300 के आसपास तो आपके नंबर आ ही जाएंगे. 360 में से 300 पेपर मैं करा, पेपर करा दो. कौन सा पेपर भाई? ये वाला पेपर? ये पेपर तो मैंने करा दिया. आप वीडियो को इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना, क्योंकि पेपर तो अब खत्म हो चुका है ये वाला. ठीक है, जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन करे जिन्होंने, ये जो मैंने कर दिया, करवा दिया डिस्कस, आप देख लेना इसको भी. ठीक है, चलो बाय. बोर्ड एग्जाम सब खत्म हो गए हैं तुम लोगों के, तुम मस्ती करो. ठीक है, अब टेंशन नहीं लेनी ज्यादा. चलो अब थोड़ा सा रेस्ट लेके नीट के लिए लग जाएंगे हम, क्योंकि अभी नीट बचा हुआ है हमारा. ठीक है, चलो बच्चों बाय.